गणपति महोत्सव पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सूरत के ऋषि नगर एक सोसाइटी में झारखंडी प्रवासियों द्वारा भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई। वहीं दिन अंतिम दिन रात भर भजन कीर्तन होता रहा और आयोजित भंडारे से हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि समस्त झारखंड समाज सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष वासुदेव महतो, प्रवक्ता सब कोषाध्यक्ष फूलदेव प्रसाद वर्मा, उपाध्यक्ष संतोष वर्मा, कोर कमेटी अध्यक्ष शंकर प्रसाद वर्मा, कोर कमेटी सचिव अशोक वर्मा, उप कोषाध्यक्ष प्रकाश वर्मा, मीडिया प्रभारी राम कुमार वर्मा और कुशवाहा कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद वर्मा सहित काफी गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। इस भक्तिमय माहौल का लोगों ने रात भर लुत्फ उठाया। कार्यक्रम का संचालन आर के स्टूडियो के संचालक ने किया। वहीं वीरेंद्र मस्ताना, मुन्नी वर्णवाल, शंकर प्रसाद वर्मा, त्रिलोकी वर्मा इत्यादि दर्जनों गायक ने की भक्ति भजन में लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं युवा कलाकार वीरेंद्र मस्ताना ने भक्ति झूमर गाकर लोगों के मन को मोहने का काम किया। पूरी रात भर तक सोसाइटी भक्ति रस में डूबी रही। रात भर गणपति बप्पा मोरिया के नारों से गूंज उठा। इस भजन मंडली कार्यक्रम में नागेश्वर वर्मा, फूलदेव वर्मा, चेतुदास त्रिलोकी वर्मा सहित कई लोगों का सहयोग रहा। वहीं सोसाइटी के हजारों महिला पुरुष ने भजन का आनंद लिया। कह सकते हैं कि आज जो गिरिडीह के प्रवासी हैं, उन्होंने अपने क्रम भूमि पर भी अपने संस्कृति और त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। चाहे छठ पूजा हो या कांवर यात्रा हो, जैसे त्यौहारों को दूसरे राज्यों में भी व्यवस्था के साथ मनाने का काम किया गया। जिला में मैं शंकर प्रसाद वर्मा, मैं बिहार से बिलोंग करता हूं और सूरत में लगभग 28 साल से रह रहा हूं। संस्कृति कार्यक्रम में जुड़े हुए लगभग शुरुआती दौर से मेरी ये तमन्ना रही है और हर एक जगह जा करके भजन संध्या का प्रोग्राम अपनी मंडली की ओर से और जगह जगह पर जाकर के प्रोग्राम करते हैं। और आज ये मेरी सोसाइटी में ऋषि नगर वन में आज 15 साल हो गया है जो कि हम लोग बराबर गणपति पूजा यहाँ स्थापित करते हैं, गणपति पूजा करते हैं और धूमधाम से प्रोग्राम भी करते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जब से मैं आज 28 साल से सूरत में रह रहा हूं, लेकिन जो साथ अभी मुझे समस्त झारखंड समाज सेवा ट्रस्ट में जुड़ने से मिल रहा है वो कभी मुझे कदापि नहीं मिला। अब मैं बहुत खुश हूं और मैं इसी तरह से लोगों से अपेक्षा रखता हूं कि इसी तरह से मुझे साथ मिलता रहे। मैं वीरेंद्र मस्ताना तथा हमारे भजन मंडली के समस्त टीम आज गणपति के शुभ अवसर पर हम लोगों को यहाँ बहुत ही जोरदार सेवक बहुत ही मतलब जो है सो जोरदार सेवा करने की मौका मिला है। और मैं यही चाहूँगा कि अपने झारखंडी भाषा को जिस तरह से हमारे झारखंडी भाई लोग आगे बढ़ाने का प्रयत्न किए हैं, उस तरह से हमारा भी एक चैलेंज है कि अपने झारखंडी भाषा को बहुत आगे तक बढ़ाना है और चैनल तक चलाना है। अच्छा, अपने खोरठा भाषा के माध्यम से? जी सर जी। ओके, थैंक यू। जैसा कि हम लोग ये जानते हैं, अभी जो गुजरात में खास करके प्रोग्राम चल रहा है, गणपति जी का प्रोग्राम चल रहा है, और आज ऋषि नगर विभाग एक में लगभग 14 साल से गणपति पूजा किया जा रहा है, साथ में सरस्वती पूजा भी करते हैं। हम लोग को एक चीज़ का सबसे बड़ा गर्व है कि हम झारखंडी प्रवासी जितना भी हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो अपना संस्कार को लेकर के चलते हैं। जिस तरह हम समझ सकते हैं कि अगर यदि झारखंड बिहार में छठ पूजा होता है तो आज गुजरात में भी छठ पूजा होना शुरू हो गया। बिहार में, झारखंड में कांवर का प्रोग्राम होता है तो इस साल समस्त झारखंड समाज सेवा ट्रस्ट की ओर से भव्य कांवर यात्रा निकाला गया। इसी तरह सरस्वती पूजा भी यहाँ नहीं कोई जानता था, लेकिन यहाँ हम लोग सरस्वती पूजा भी बड़ा धूमधाम से मनाते हैं। और इसी तरह
प्रत्येक साल की भांति आज 14 साल से ऋषि नगर विभाग एक में गणपति पूजा जो हो रहा है बड़ा धूमधाम से हो रहा है। और यहाँ हमारे झारखंड के बहुत सारे कलाकार हैं जो अपना झारखंडी भाषा में अपना पूरे परिवार और झारखंडी प्रवासियों का संगीतमय कर चुके हैं। तो हम बताना चाहेंगे कि समस्त झारखंड समाज सेवा ट्रस्ट सबसे पहला अगुवाई अपना झारखंड से अपनी भाषा को दिए हैं। जहां भी जाएं अपनी भाषा को लेकर चलें, अपनी मातृभाषा है उसको भूलें नहीं और अपना संस्कार को भी न भूलें।